बेटा वेव्स का जो सबसे पहला पॉइंट है वो आपने लिखना है कि वेव्स ट्रांसफर एनर्जी एंड मोमेंटम वेव्स ट्रांसफर एनर्जी एंड मोमेंटम तो बेटा वेव्स जो होती हैं वो एनर्जी और मोमेंटम को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक क्या करती हैं ट्रांसफर नंबर वन नंबर टू बेटा आपने देखना है कि बेटा वेव्स की टाइप्स कितनी होती हैं हेडिंग दे जरा बेटा टाइप्स ऑफ वेव्स बेटा वेव्स की दो टाइप होती हैं बेटा फर्स्ट का नाम लिखें मैकेनिकल वेव्स तो फर्स्ट टाइप बेटा आपके पास है मैकेनिकल वेव्स और बेटा दूसरी होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को शॉर्ट uh, में हम ई e एम भी कह देते हैं ई एम फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आगे बेटा वेव्स है बेटा इन दोनों में डिफरेंस क्या है देखिए आपने याद रखना बेटा कि जो मैकेनिकल वेव्स होती हैं ना जितनी भी मैकेनिकल वेव्स होती हैं दे रिक्वायर मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन देर रिक्वायर मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन इनको आगे बढ़ने के लिए प्रोपोगेट करने के लिए ट्रेवल करने के लिए लाजमी क्या चाहिए मीडियम सो दे रिक्वायर मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में बेटा आप क्या लिखेंगे बेटा आप लिखेंगे दे कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम एज वेल एज इन द मीडियम दे कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, एज वेल एज इन मीडियम तो बेटा अगर कोई आपसे पूछे कि वो वेव्स कौन सी होती हैं जो वैक्यूम में भी ट्रेवल कर लेती है मीडियम में भी तो बेटा वो वेव्स कौन सी होती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और वो वेव्स बेटा कौन सी हैं? जो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती लेकिन मीडियम में ट्रेवल कर सकती है बेटा वो कौन सी हैं मैकेनिकल बेटा वैक्यूम का मतलब होता है फ्री स्पेस फ्री स्पेस मतलब जहाँ ना सॉलिड हो ना लिक्विड हो ना गैस हो उसे हम कहते हैं वैक्यूम तो बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं वो वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती हैं मीडियम में मतलब एयर वाटर वगैरह ग्लास इसमें भी ट्रैवल कर सकती हैं लेकिन मैकेनिकल वेव सिर्फ किस में ट्रैवल करेंगी मीडियम में इनको सॉलिड लिक्विड या गैस कोई ना कोई चीज़ चाहिए तभी ये आगे ट्रैवल कर सकती हैं वैक्यूम में ये ट्रैवल नहीं कर सकती अगली बात बेटा इनकी एग्जाम्पल्स कौन सी हैं मकैनिकल वेव की बेटा कौन कौन सी एग्जाम्पल्स हैं बेटा मकैनिकल वेव्स के अंदर आपके पास वाटर वेव्स आ जाती हैं वाटर वेव्स के बाद आप लिखें साउंड साउंड वेव्स और साउंड वेव्स के बाद बेटा आप लिखें वेव्स प्रोड्यूस्ड इन एयर कॉलम्स हम आगे चल के स्टेशनरी वेव्स में पढ़ेंगे एयर कॉलम्स ओपन एयर कॉलम एंड क्लोज्ड एयर कॉलम तो उनमें जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं वो भी कौन सी होती है मैकेनिकल वेव्स। सो वेव्स प्रोड्यूस्ड इन एयर कॉलम्स और इसके बाद जो वेव स्ट्रेच स्ट्रिंग में प्रोड्यूस होती हैं वो भी कौन सी होती है मैकेनिकल ये भी टॉपिक हमने पढ़ना है स्टेशनरी वेव में जाके भी लिख लें वेव्स प्रोड्यूस्ड इन स्ट्रेच स्ट्रिंग प्रोड्यूस्ड इन स्ट्रेच स्ट्रिंग बेटा ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं मकैनिकल वेव्स की अब बेटा हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बेटा इनकी कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं तो बेटा इनकी आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं जैसे माइक्रोवेव्स होती हैं इनकी जो सबसे फेमस एग्जाम्पल है वह लाइट वेव्स इसके बाद बेटा आपके पास आ जाती है अल्ट्रा वायल्ट जिसको यू भी कहते हैं उसके बाद बेटा आ जाएगा एक्स रेज और गैमा रेज और भी होती हैं लेकिन ये हम सारी डिटेल में पढ़ेंगे जाके सेकेंड ईयर के अंदर जब हम फोटॉन्स का आर्टिकल पढ़ेंगे तब आपको इसके तमाम प्रॉपर्टीज मैं बताऊंगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की और इनकी टाइप्स वगैरह भी हम सारी डिटेल में पढ़ेंगे अभी बस मैंने कुछ एग्जांपल्स लिख दी हैं बस आपने ये याद रखना है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो साउंड वेव्स है बेटा वो किस में आ जाती है मकैनिकल वेव्स में और जो लाइट वेव्स है बेटा वो किस में आ जाती है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक में बाकी भी एग्जाम्पल्स आपके माइंड में होनी चाहिए इलेक्ट्रो मैग्नेटिक बेटा जितनी भी है ना उन सब की स्पीड कितनी होती है तो बेटा याद रखें इलेक्ट्रो मैग्नेटिक जितनी भी हैं उन सब की जो स्पीड होती है वो होती है थ्री इंटू टेन टू पावर एट मीटर पर सेकेंड मतलब ये सब की सब स्पीड ऑफ लाइट से मूव करती हैं लेकिन जो मकैनिकल वेव्स हैं डिफरेंट वेव्स की डिफरेंट स्पीड होती हैं साउंड की डिफरेंट होगी वाटर की डिफरेंट होगी लेकिन इन सब की स्पीड इस वैल्यू से कम होती है तो याद रखें मकैनिकल वेव्स की जो वेलोसिटी या स्पीड होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से बेटा क्या होती है लेस होती है बेटा वेव्स की दो टाइप्स और भी होती हैं बेटा नेम लिखें जरा ट्रांसवर्स वेव ट्रांसवर्स वेव बेटा दूसरी बेटा लिखें लोंगी ट्यूर्नल वेवस बेटा वेव्स की दो टाइप्स और भी होती हैं एक होती है बेटा ट्रांसवर्स और दूसरी कौन सी होती है लोंगी ट्यूर्नल बेटा ट्रांसवर्स वेव्स के अंदर देखें आप इस तरह के दो एरो बना लें एक ऐसा एरो बना लें और इसके बाद एक बिल्कुल ऐसा एरो बनाएं जो इसके परपेंडिकुलर हो इस तरह से बेटा ऐसे दो एरो बना लें आप और बेटा अब आप क्या करें कि एक एरो पे लिखें डायरेक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ डिस्टरबेंस डिस्टरबेंस ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मीडियम पार्टिकल ऑफ मीडियम और बेटा इस एरो पे लिखें डायरेक्शन ऑफ वेव डायरेक्शन ऑफ वेव तो बेटा याद रखें अगर कोई ऐसी वेव है जिसके अंदर जो मीडियम के पार्टिकल की डायरेक्शन है लेट्स सपोज करें कि वो अप एंड डाउन है मतलब मीडियम के पार्टिकल तो अप एंड डाउन वाइब्रेट कर रहे हैं लेकिन जो वेव है वो राइट right या लेफ्ट जा रही है और अगर ऐसी कोई वेव है जिसमें डायरेक्शन ऑफ वेव एंड द डायरेक्शन ऑफ डिस्टर्बेंस ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम दोनों आपस में कितने डिग्री एंगल पर हों 90 डिग्री तो बेटा ऐसी वेव को हम क्या कहते हैं ट्रांसवर्स वेव तो ट्रांसवर्स वेव्स के अंदर जो मीडियम के पार्टिकल्स की डिस्टर्बेंस की डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री पे होती है टू दी डायरेक्शन ऑफ द वेव अच्छा बेटा लॉन्गिट्यूडल वेव के लिए देखिए आपने क्या करना है आपने बेटा इस तरह से एक एरो ये लगा देना टू साइडेड और एक एरो बेटा आपने ये लगा देना ये दो एरो लगाने और ये दोनों के दोनों एक दूसरे के बेटा क्या है ये पैरल है बेटा इस वाले एरो पे लिख दें डायरेक्शन ऑफ डिस्टर्बेंस ऑफ पार्टिकल ऑफ मीडियम बेटा इस पे लिखते हैं डायरेक्शन ऑफ वेव तो बेटा अगर तो मीडियम के पार्टिकल्स की डिस्टर्बेंस की डायरेक्शन बिल्कुल डायरेक्शन ऑफ वेव के अलोंग हो उसी लाइन के ऊपर हो तो इसे समाइम हम पैरेलल भी कह देते हैं तो बेटा ऐसी वेव जिसमें मीडियम के पार्टिकल के डिस्टर्बेंस की डायरेक्शन और डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ वेव वो दोनों आपस में बेटा क्या हो पैरल हो या अलॉन्ग द सेम लाइन हो बेटा ऐसी वेव्स बेटा कौन सी होंगी लोंगी तो ट्यूनल बेटा ये आपके पास अगर तो परपेंडिकुलर हैं तो ट्रांसफर्स और अगर पैरल हैं या एक दूसरे के अलोंग है तो बेटा वो कौन सी होंगी लोंगी ट्यूनल वेव अच्छा बेटा बेटा मैंने अभी कुछ देर पहले पढ़ाई थी मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अब यहां पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने लिखना है कि ऑल इलेक्ट्रो मैगनेटिक वे ट्रांसफर्स इलेक्ट्रो वेव मैंने बताई है ना कि वो इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेवस है वो सारी की सारी ट्रांसफर्स हैं तो बेटा जितनी भी चीजें आप पूरे एमडी कैट में पढ़ेंगे जिनके बारे में आपको मैं ये बताऊंगा कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में सिर्फ कौन सा नेचर होता है

टूर्नल मकैनिकल वेव तो बेटा क्योंकि ये लौंगी ट्यूर्नल भी है और ये मकैनिकल भी है लेकिन जो वाटर है बेटा जो वाटर वेव्स होती हैं वाटर वेव्स भी होती तो मकैनिकल है लेकिन इनका नेचर बेटा कैसा होता है ये होता है बेटा ट्रांसवर्स और बेटा याद रखे यहां पे आप लिख लेंगे ट्रांसवर्स और साथ ही बेटा आप क्या लिख लेंगे मकैनिकल अब जरा मेरी बात गौर से सुने देखें देखें ऐसी वेव्स जिनमें मीडियम के पार्टिकल की डिस्टरबेंस की डायरेक्शन और जो डायरेक्शन ऑफ वेव है वो दोनों आपस में किस एंगल पे हूं बेटा 90 डिग्री या परपेंडिकुलर वो वेव्स बेटा कौन सी होती हैं ट्रांसवर्स और अगर ये दोनों अलोंग दी सेम लाइन हो या फिर पैरेलल हो तो बेटा वो वेव्स कौन सी होंगी लौंगी ट्यूनल. बेटा एक बात और जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो सारी की सारी बेटा कैसी होती हैं ट्रांसवर्स लेकिन जो मैकेनिकल वेव्स हमने पहले पढ़ी थी उनमें से कुछ वेव्स ट्रांसवर्स होती हैं और कुछ वेव कैसी होती हैं लॉन्गीट्यूडनल जैसे कि जो साउंड वेव है वो मकैनिकल तो है क्योंकि इसको मीडियम चाहिए प्रोपोगेट करने के लिए लेकिन ये बेटा कौन सी मकैनिकल वेव है लोंगिट्यूडनल जैसे वाटर वेव है वाटर वेव को बेटा आगे जाने के लिए वाटर चाहिए मीडियम चाहिए लेकिन ये बेटा कौन सी होती हैं ट्रांसवर्स होती है बेटा वाटर वेव्स आर ट्रांसवर्स मकैनिकल वेव्स एंड साउंड वेव्स आर लोंगी ट्यूनल मकैनिकल वेवस लेकिन ऑल इलेक्ट्रो मैगनेटिक वेव्स आर ट्रांसफर्स इलेक्ट्रो मैगनेटिक वेवस में कोई भी लॉन्गी ट्यूबिनल नहीं होती वो सारी ट्रांसफर्स होती हैं बट मैकेनिकल वेव्स ट्रांसफर्स भी हो सकती हैं और लॉन्गी ट्यूनल भी हो सकती हैं और बेटा एक और पॉइंट भी कर लें बेटा जो ट्रांसफर्स वेव होती है उसकी डायग्राम कुछ इस तरह से ड्रॉ करते हैं हम बेटा जो ये वाला पॉइंट है जो टॉप पे है यहाँ पे इसे हम क्रस्ट कहते हैं और जो बेटा नीचे वाला बेटा वो कौन सा है ट्रफ और बेटा ये भी कौन सा पॉइंट है क्रस्ट और ये बेटा कौन सा आ गया ट्रफ तो बेटा याद रखें क्रस्ट और ट्रफ बेटा कौन सी वेव के पार्ट होते हैं ट्रांसवर्स वेव के और बेटा आपने ये भी याद रखना है कि क्रस से क्रस तक का बेटा जो फासला होता है जो डिस्टेंस होता है वो लेमडा होता है और जो ट्रफ से ट्रफ तक का होता है बेटा वो भी क्या होता है लेमडा तो बेटा डिस्टेंस बिटवीन टू कंजेगेटिव क्रस्ट या कंजेगेटिव ट्रफ वो बेटा आपके पास क्या होता है वेव और बेटा जो लॉन्गी ट्यूनल वेव होती है बेटा इसकी डायग्राम कुछ इस तरह की होती है अगर लेट्स सपोज मैंने स्प्रिंग के अंदर बेटा प्रोड्यूस की लॉन्गिट्यूनल वेव बेटा ये मैंने एक स्प्रिंग के अंदर बेटा क्या प्रोड्यूस की है लॉन्गिट्यूनल वेव बेटा जो लॉन्गिट्यूनल वेव्स होती हैं अगर आप यहाँ पे नोटिस करें तो बेटा कुछ पॉइंट्स पे स्प्रिंग्स की जो लूप्स हैं वो पास पास है और बेटा इसे हम कहते हैं कंप्रेशन कंप्रेशन बेटा वो पॉइंट होता है जहाँ पार्टिकल मैक्सिमम एक दूसरे के पास होते हैं और बेटा रेयर फैक्शन बेटा वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट पे पार्टिकल मैक्सिमम एक दूसरे से बेटा दूर होते हैं और फिर दोबारा से यहाँ पे दोबारा से पार्टिकल पास पास आ गए हैं तो ये बेटा पॉइंट कौन सा होगा कंप्रेशन बेटा जो कंप्रेशन और रेयर फैक्शन है ये दोनों बेटा किस वेव के पॉइंट होते हैं लॉन्गिट्यूनल वेव के और बेटा आपने यहां पे दो एमसीक्यूज भी याद कर लेने हैं कि बेटा जो कंप्रेशन होते हैं ना कंप्रेशन बेटा लॉन्गिट्यूनल वेव का वो पॉइंट होता है जिस पर डेंसिटी और प्रेशर दोनों मैक्सिमम होते हैं और बेटा रेयर फैक्शन बेटा वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट पे बेटा डेंसिटी और प्रेशर बेटा क्या होते हैं मिनिमम होते हैं देखिए बेटा मुझे बताएं कि बेटा क्रस्ट और ट्रफ बेटा कौन सी वेव के पार्ट्स होते हैं ट्रांसवर्स वेव के और बेटा जो कंप्रेशन रेयर फैक्शन होते हैं ये कौन सी बेटा वेव के पॉइंट्स होते हैं लॉन्गीट्यूनल वेव के बेटा जैसे क्रस से लेकर क्रस तक का फासला क्या था लेमडा तो बिल्कुल वैसे ही कंप्रेशन से लेकर कंप्रेशन तक का फासला भी क्या होगा लेमडा और जैसे ट्रफ से लेकर ट्रफ तक का भी डिस्टेंस लेमडा था ऐसी रेयर फैक्शन से लेकर जो अगला रेयर फैक्शन आएगा

और बेटा क्या चीज है वेवलेंथ और आपको पता ही है कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होती है वन ओवर यहां पर बेटा जब हम लिखेंगे यहाँ पे एफ की जगह पे वन ओवर टाइम पीरियड बेटा लैमडा इन वन बेटा लैमडा ही है बेटा क्या फार्मूला बन जाएगा बेटा स्पीड का एक और वेवलेंथ ओवर टाइम पीरियड बेटा ये दो फार्मूले बेटा आपने याद रखने किसी भी वेव की स्पीड के अगर आपको फ्रीकवेंसी और लैमडा गिवन हो तो बेटा आप एफ लेमडा यूज करेंगे स्पीड निकालने के लिए और अगर आपको लेमडा और टाइम पीरियड गिवन हो तो आप को टाइम पीरियड बेटा क्या करेंगे डिवाइड बेटा बेटा वो आ जाएगी आपके पास स्पीड स्पीड ऑफ वेव वेव तो बेटा, किसी भी वेव की के दो फार्मूले होते हैं बेटा वी इज इक्वल टू एफ लेमडा और दूसरा बेटा क्या होती है वी इज इक्वल टू लेमडा ओवर टाइम पीरियड अब बेटा मैं आपको एक क्वेश्चन करवा रहा हूं आप जरा मुझे बताइएगा इसका आंसर क्या होता है आपके पास फोर्टी सेकेंड्स का टाइम होगा बेटा क्वेश्चन लिखें इफ Forty eight waves are passing through a point in two minutes, distance between two consecutive crusts. टू कंजेगेटिव क्रस्ट इज फोर मीटर देन स्पीड ऑफ द वे विल भी आपके पास बेटा फोर्टी सेकेंड है फिर मैं सॉल्व करवाता हूं आप देखिए बेटा आपको पता है बेटा कि v इज इक्वल टू क्या होता है एफ लेमडा बेटा ये आपके पास आ गया v इज इक्वल टू एफ लेमडा बेटा जब भी आपको कभी भी किसी क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ वेव्स गिवन हो और टोटल टाइम गिवन हो तो बेटा आप फ्रिक्वेंसी कैसे निकालेंगे आप लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ वेव्स टोटल नंबर ऑफ वेव्स डिवाइडेड बाय टोटल टाइम बेटा जब भी आप टोटल नंबर ऑफ वेव्स को टोटल टाइम पर बेटा डिवाइड करेंगे तो बेटा वो आपके पास वेव की बेटा क्या आ जाएगी फ्रीक्वेंसी तो बेटा ये पॉइंट मैंने क्लियर करवाना था इस क्वेश्चन में कि बेटा अक्सर क्वेश्चन जब आते हैं तो वो इस तरह के ही आते हैं तो बेटा आपने हमेशा क्या करना है टोटल नंबर ऑफ वेव्स को ऊपर लिखना है और उसको बेटा डिवाइड कर देना टोटल टाइम से बेटा वो आपके पास आ जाएगी बेटा फ्रीक्वेंसी तो बेटा मैं यहाँ पे क्या लिख लूंगा वी इज इक्वल टू बेटा एफ जगह पे क्या लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ वेव्स

ये बेटा आपके पास आ जाएगा 48 एट बाय थर्टी और बेटा ये आ जाएगा आपके पास 8 बाय फाइव और 8 बाय फाइव बेटा क्या चीज होती है 1.6 1.6 तो बेटा आपके पास आंसर आ जाएगा वेव स्पीड इज इक्वल टू मीटर पर बेसिकली इस पूरे क्वेश्चन को करवाने का मेरा मकसद ये था कि आप फ्रीक्वेंसी का ये वाला फार्मूला याद कर लें कि बेटा फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ वेव्स ओवर टोटल टाइम तो बेटा जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो फ्रीक्वेंसी आप इससे निकाल लेंगे और फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा बेटा करेंगे तो बेटा क्या आ जाएगी आपके पास स्पीड आ जाएगी देखिए बेटा पहला एमसी को बेटा इसका लिखें कि डॉपलर इफेक्ट इज एप्लीकेबल ऑन तो बेटा लिखें ऑल टाइप्स ऑफ वेव्स। डॉपलर इफेक्ट इज एप्लीकेबल ऑन ऑल टाइप्स ऑफ वेव जिसमें मैकेनिकल वेव्स भी आ जाएंगी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी आ जाएंगे मकैनिकल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिसको शॉर्ट में कहते हैं ई e एम याद रखिए बेटा डॉपुलर इफेक्ट इज एप्लीकेबल ऑन ऑल टाइप्स ऑफ वेव्स। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ये साउंड के लिए एप्लीकेबल होगा तो बेटा साउंड वेव्स पे भी एप्लीकेबल होगा क्या ये लाइट वेव एप्लीकेबल होगा यस तो बेटा ये लाइट वेव साउंड सब पे एप्लीकेबल होता है सो डॉपलर इफेक्ट इज एप्लीकेबल ऑन ऑल टाइप्स ऑफ वेव मैकेनिकल एज वेल एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तो हमारे सिलेबस में हम जो डॉपलर इफेक्ट करेंगे वो सिर्फ किन वेव्स के लिए कर रहे हैं साउंड वेव्स के लिए लेकिन आपने याद रखना है इट इज एप्लीकेबल ऑन लाइट वेव्स अच्छा खैर ये बात करने के बाद अब आप जरा मेरी बात गौर से सुने ये मैंने एक स्पीकर बनाया है स्पीकर का मतलब बेटा क्या है कि एक ऐसी चीज जो साउंड को प्रोड्यूस करेगी जो भी चीज साउंड प्रोड्यूस करेगी उसके दो नाम बेटा कौन से हैं? या तो उसे हम कहेंगे सोर्स ऑफ साउंड या फिर उसको एक और नाम भी देते हैं स्पीकर तो स्पीकर या सोर्स इन दोनों का मतलब क्या है कि ये दोनों बेटा क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं और बेटा ये लेट सपोज आगे कोई पर्सन है जो साउंड को प्रोड्यूस करेगा उसे हमने क्या नाम दिया है सोर्स या स्पीकर का और जो साउंड को सुनेगा जो उसको रिसीव करेगा उसके बेटा दो नाम कौन से होंगे बेटा उसको हम ऑब्जर्वर भी कहते हैं उसको हम लिसनर भी कहते हैं बेटा ये दोनों नाम आपने बेटा याद रख लेने हैं लिसनर एंड ऑब्जर्वर वो है जिसने साउंड को लिसन किया ऑब्जर्व किया या रिसीव किया और जिसने साउंड को प्रोड्यूस किया उसे सोर्स या फिर बेटा क्या कहेंगे आप स्पीकर जो फ्रिक्वेंसी सोर्स प्रोड्यूस करता है उसका सिंबल लिख लें एफ और बेटा ये क्या कहलाती है इसे हम कहते हैं रियल फ्रीक्वेंसी या फिर इसको हम कहते हैं एक्चुअल फ्रीक्वेंसी एक ही चीज के दो नाम है रियल कह लें या फिर आप इसे कह लें एक्चुअल फ्रीक्वेंसी तो बेटा ये आपके पास आ गया एफ ये एक्चुअल या रियल फ्रीक्वेंसी बेटा कौन सी फ्रीक्वेंसी है सोर्स या स्पीकर जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बेटा कौन सी होगी रियल या एक्चुअल फ्रीक्वेंसी उसका सिंबल बेटा क्या है आपके पास एफ और जो फ्रिक्वेंसी करेगा भला कौन ऑब्जर्वर जो इसको सुनाई पड़ेगी बेटा वो क्या रियल फ्रिक्वेंसी होगी या उसे हम अपेरेंट कहेंगे अपेरेंट फ्रिक्वेंसी अपेरेंट फ्रिक्वेंसी बेटा वो है जो ऑब्जर्वर या लिसनर को सुनाई पड़ती है या वो रिसीव करता है या वो सुनता है तो अपेरेंट फ्रीकवेंसी और अपेरेंट के बेटा एक और नाम भी लिख लें अब्जर्व फ्रीक्वेंसी इसको आप अब्जर्व फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं तो बेटा इसका जो सिंबल है वो आपके पास बेटा दो तरह के हैं आप एफ प्राइम से भी याद कर लें इसको और आप इसको एफ ए भी कह सकते हैं तो एफ ए और एफ प्राइम दोनों एक ही चीज के दो सिंबल्स हैं आप मैं मोस्टली एफ प्राइम यूज करूंगा लेकिन एफ ए और एफ प्राइम दोनों सिंबल्स को हम यूज कर सकते हैं किसके लिए अपेरेंट फ्रीक्वेंसी या फिर किसके लिए अब्जर्व तो बेटा अब जरा यहां तक की बात मुझे समझा दें कि जो देखें अभी मैं बात कर रहा हूं तो मैं साउंड प्रोड्यूस कर रहा हूं जो जिस फ्रीक्वेंसी का साउंड मैं प्रोड्यूस कर रहा हूं जो उसकी फ्रीक्वेंसी है बेटा कौन सी फ्रीक्वेंसी है रियल और जो आपको सुनाई पड़ रही है वो कौन सी है अपेरेंट तो बेटा जो स्पीकर या सोर्स प्रोड्यूस करता है वो रियल है जो ऑब्जर्वर रिसीव या ऑब्जर्व करता है या सुनाई पड़ती है उसको वो कौन सी है अपेरेंट याब्जर्व है अच्छा मेरी बात सुने गौर से अगर तो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी और जो आपके पास है अपेरेंट फ्रीक्वेंसी वो दोनों की बेटा वैल्यू क्या है इक्वल है इसका मतलब बेटा क्या है कि नो डॉपलर इफेक्ट किसी तरह का वहां पे कोई डॉपलर इफेक्ट नहीं होगा याद रख ले दोबारा सुन लें इस बात को कि रियल फ्रीक्वेंसी अगर मान लो टेन हर्ड्स है और आपको अपेयर भी कितनी हो रही है टेन हर्ड्स तो बेटा अगर अपेरेंट फ्रीक्वेंसी और रियल फ्रीक्वेंसी दोनों की वैल्यू इक्वल है इट मीनस के बेटा वहां पे क्या ऑब्जर्व नहीं कर रहे डॉपलर इफेक्ट क्योंकि डॉपुलर इफेक्ट बेटा ऑब्जर्व सिर्फ तब होता है जब अपेरेंट फ्रीक्वेंसी या तो रियल से ज्यादा हो या रियल से क्या हो कम हो लेकिन अगर ये दोनों इक्वल हो जाएं इट मीनस वहां पे क्या नहीं है डॉपुलर इफेक्ट नहीं है और एक और बात बेटा एक वर्ड लिखें जरा शिफ्ट इन फ्रीक्वेंसी एक वर्ड लिख लें शिफ्ट इन फ्रीक्वेंसी और बेटा शिफ्ट इन फ्रीक्वेंसी कहते हैं डेल्टा एफ को मतलब चेंज इन फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं शिफ्ट इन फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं डेल्टा एफ और बेटा डेल्टा एफ बेटा क्या होता है अपेरेंट फ्रीक्वेंसी माइनस रियल फ्रीक्वेंसी तो आपने बेटा शिफ्ट इन फ्रीक्वेंसी का फार्मूला भी लिख लेना है डेल्टा एफ 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 इज इक्वल टू प्राइम माइनस तो अगर आपको चेंज इन इन फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी या शिफ्ट निकालनी है तो आप कैसे निकालोगे आप अपेरेंट में से किसको माइनस करोगे रियल को तो बेटा वो आपके पास क्या आ जाएगी शिफ्ट इन फ्रीक्वेंसी और याद रखें जब भी कभी शिफ्ट इन फ्रीक्वेंसी होगी तभी वहां पे क्या ऑब्जर्व हो रहा होगा डॉपलर इफेक्ट तो बेटा आप बस माइंड में ये याद रखें कि डॉपलर इफेक्ट तभी होगा वहां पे जब वहां पे क्या आएगी शिफ्ट इन फ्रीक्वेंसी और शिफ्ट कब आएगी जब रियल और होगी और अपेरेंट और होगी अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज जरा सुने कि अगर लेट सपोज रियल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है टेन हर्ट्स और ऑब्जर्वर को सुनाई भी कितनी पड़ रही है टेन हर्ट्स तो बेटा अपेरेंट भी टेन हर्ट है और रियल भी कितनी है बेटा टेन हर्ट्स अब मुझे बताएं शिफ्ट कितना आया बेटा शिफ्ट होता है बेटा अपेरेंट फ्रिक्वेंसी माइनस रियल फ्रिक्वेंसी तो टेन माइनस टेन बेटा कितना आ गया जीरो इसका मतलब ये बेटा कि क्या नहीं हुआ शिफ्ट इन फ्रीक्वेंसी और जब शिफ्ट फ्रिक्वेंसी में ना हो मतलब वहां पे क्या नहीं होगा डॉपलर इफेक्ट तो इस केस में डॉपलर इफेक्ट एप्लीकेबल नहीं हो रहा ठीक होगी बात अच्छा अब सबसे पहले मैं आपको तीन ऐसे केस करवाऊंगा जिनके अंदर डॉपलर इफेक्ट एप्लीकेबल नहीं होता और वो क्वेश्चन बन सकते हैं तो पहले हम तीन क्वेश्चन करेंगे इस वाले केस के जिसमें डॉपलर इफेक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा और जब ये एप्लीकेबल नहीं होगा तो जो रियल फ्रीक्वेंसी होगी वो किसके इक्वल होगी अपेरेंट के तो पहले वो तीन क्वेश्चन हम वो वाले करते हैं देखिए बेटा पहला केस ये है कि अगर यहां पर बेटा आप एक सर्कल बनाए और इस सर्कल के सेंटर ये वाला है और लेट सपोज अगर ऑब्जर्वर जो है वो सर्कल के सेंटर पर मौजूद है और सर्कल के ऊपर कोई भी कार है कोई भी ट्रेन है कोई भी गाड़ी है वो मूव करके ऐसे सर्कल में मूव कर रही है एंटी क्लॉक भी डायरेक्शन में मूव कर रही है।, मेरा है, कि अगर, suppose, अगर ये है और ये वाला पॉइंट बी है और ये वाला पॉइंट सी है ये तीन पॉइंट है और ये बॉडी जो है इस तरह से जा रही है ए से सी पॉइंट तक अच्छा जब ये ए से सी जा रही है तो इसका जो हॉर्न है ये अपना हॉर्न बजा के जा रही है तो उस हॉर्न की आवाज कौन सुन रहा है ऑब्जर्वर जो कहां बैठा हुआ है सर्कल के सेंटर पे मेरा क्वेश्चन है कि बेटा ए बी और सी इन तीनों में से कौन से पॉइंट पे बेटा फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी तीनों पॉइंट्स बेटा फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होगी सेम होगी भला क्यों सेम होगी उसकी रीजन ये बेटा कि बेटा जब आप सर्कल के सेंटर पे हैं और जो आपका सोर्स है वो कहां मूव कर रहा है ऑन दी सर्कल तो बेटा आपका और सोर्स का इन दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम रह रहा है और वो इक्वल टू किसके बन रहा है रेडियस के तो जब वो सोर्स यहां जाएगा तब भी डिस्टेंस किसके इक्वल है रेडियस के और जब यहां जाएगा तब भी किसके इक्वल है रेडियस के तो यहां से एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखें कि अगर सोर्स अगर सोर्स एंड अब्जर्वर के बीच में जो डिस्टेंस होता है अगर वो डिस्टेंस सेम रहे तो इसका मतलब बेटा क्या है कि वहां पे क्या एप्लीकेबल नहीं होगा डॉपलर इफेक्ट तो याद रखें डॉपलर इफेक्ट एप्लीकेबल सिर्फ तब होता है जब दोनों के बीच का डिस्टेंस या तो कम हो रहा हो या फिर क्या हो रहा हो ज्यादा लेकिन अगर सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच का फासला कम और ज्यादा ना हो रहा हो बल्कि फासला क्या रहे सेम तो वहां पे जो रियल फ्रीक्वेंसी होगी वही क्या होगी अपेरेंट एंड नो डॉपलर इफेक्ट विल बी ऑब्जर्व ठीक है बेटा अब इस केस में क्या हो रहा है कि ऑब्जर्वर एंड सोर्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो हर पॉइंट पे बेटा क्या आ रहा है सेम और बेटा जब भी दोनों के बीच में डिस्टेंस सेम होता है इट्स का मतलब ये होता है कि फ्रीक्वेंसी आपकी हर पॉइंट पे क्या रहेगी सेम रहेगी एक बात तो ये तो पहला क्वेश्चन तो ये वाला बन गया कि तीनों पॉइंट्स पे बेटा फ्रीक्वेंसी की वैल्यू इक्वल होगी तो और एक और चीज का आंसर करें कि अगर जो हॉर्न इसने ब्लो किया उस हॉर्न की जो रियल फ्रीक्वेंसी है तो रियल फ्रीक्वेंसी ऑफ दी हॉर्न लेटोज है कितनी हो रही होगी 500 क्योंकि बेटा इस केस में क्या अप्लाई नहीं हो रहा, रहा? डिस्टेंस ना, ना क्या हो रहा है ज्यादा इसलिए बेटा अगर एक्चुअल तो तो मतलब का आंसर आ जाएगा फाइव हंड्रेड और हर जगह पे बेटा फ्रीक्वेंसी फाइव हंड्रेड हर्ट्स ही सुनाई देगी क्योंकि डिस्टेंस ना कम हो रहा है ना क्या हो रहा है ज्यादा एक हमारी बुक में भी शॉर्ट क्वेश्चन है कि अगर आपके पास लेट्स सपोज टू कार्स हैं और ये दोनों कार्स बेटा क्या कर रही हैं मूव और अगर ये दोनों कार्स मूव कर रही हैं और इस तरह से कि दोनों की स्पीड भी सेम है और दोनों की डायरेक्शन भी सेम है बेटा मुझे बताएं अगर दोनों की स्पीड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है तो बेटा मुझे बताएं कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो ना तो कम होगा ना क्या होगा ज़्यादा क्योंकि उन दोनों की स्पीड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है इट मीन्स के दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम रहेगा और जब दोनों के बीच का डिस्टेंस बेटा क्या रहेगा सेम तो क्या एप्लीकेबल नहीं होगा डॉपलर इफेक्ट अगर क्वेश्चन आ जाए आपको कि जो पीछे वाली गाड़ी है उसने हॉर्न ब्लो किया और उस हॉर्न की फ्रीक्वेंसी है आपके पास 500 मान लो इसके नाम ले लेते हैं मान लो ये पी है ये है तो अगर ये जो पीछे वाली गाड़ी है पी इसने जो हॉर्न जो है ब्लो किया उसकी फ्रीक्वेंसी थी फाइव हंड्रेड तो मुझे बताया इसको सुनाई कितनी पड़ी होगी फाइव हंड्रेड क्यों क्योंकि बेटा दोनों के बीच का क्या कम ज्यादा नहीं हो रहा डिस्टेंस और जब डिस्टेंस बेटा दोनों के बीच में क्या रहेगा सेम तो बेटा अगर रियल फ्रीक्वेंसी फाइव है तो उस वाली अपेयर भी कितनी होगी फाइव तो बेटा इसका मतलब यह हुआ कि फ्रीक्वेंसी विल बी तो बेटा ये सेकेंड केस हो गया जिस केस के अंदर जो डॉपलर इफेक्ट एप्लीकेबल नहीं हो रहा और लास्ट केस बेटा ये है कि अगर बेटा दोनों चीजें रेस्ट पे हो देखें भाई अगर सोर्स एंड ऑब्जर्वर दोनों किस पे हैं रेस्ट पे हैं तो बेटा इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों के बीच का डिस्टेंस अब भी कम या ज्यादा नहीं होगा डिस्टेंस बेटा क्या रहेगा सेम तो बेटा इस केस में भी बेटा जो रियल फ्रीक्वेंसी होगी और दोनों की वैल्यू क्या होगी सेम और क्या एप्लीकेबल नहीं हो रहा होगा डॉपलर इफेक्ट बेटा मैंने तीन कौन से केस बताए हैं जिनमें डॉपलर इफेक्ट एप्लीकेबल नहीं हो रहा जब कोई भी ऑब्जर्वर सर्कल के सेंटर पे हो और जो सोर्स है वो किस पे मूव कर रहा हो ऑन सर्कल उस केस में एप्लीकेबल नहीं होगा नंबर टू अगर दोनों मूव कर रहे हैं दोनों की स्पीड भी सेम है डायरेक्शन भी सेम है तब भी बल नहीं होगा और थर्ड किस बेटा कौन सा बताया जब दोनों चीजें किस पे थी? रेस्ट पे थी क्योंकि इन सब के के वही क्या, तो तो क्या होगी अपेरेंट बेटा अगर आपके पास ये एक स्पीकर है या सोर्स है और ये बेटा आपके पास बेटा यहां पे क्या है एक ऑब्जर्वर है अब मेरी भी बात सुने गौर से अगर ऑब्जर्वर और सोर्स इनमें से कोई भी एक या तो सोर्स मूव करना शुरू कर दे ऑब्जर्वर या ऑब्जर्वर मूव करना शुरू कर दे सोर्स मतलब दोनों में से कोई भी एक किसकी तरफ मूव करना शुरू कर दे दूसरे की तरफ और याद रखे हमारे कोर्स में एमडी कैट में जो मेंशनड है सिलेबस उसमें दोनों में से एक रेस्ट पे होगा दूसरा क्या करेगा मूव करेगा तो अगर ये रेस्ट पे है तो फिर ऑब्जर्वर मूव करेगा और अगर ऑब्जर्वर रेस्ट पे है तो फिर बेटा कौन मूव करेगा सोर्स मूव करेगा मतलब दोनों में से एक चीज रेस्ट पे होगी और एक क्या करेगी मूव करेगी मैं पहला सिनेरियो आपको क्या बता रहा हूं कि अगर दोनों में से मान लो कोई एक रेस्ट पे है और दूसरा उसकी तरफ मूव कर रहा है तो बेटा इसको हम क्या क्या वर्ड यूज कर सकते हैं इसे हम क्या कह सकते हैं अप्रोचिंग का वर्ड यूज कर सकते हैं तो जब भी एमसीक्यू में वर्ड आए कि ऑब्जर्वर सोर्स को या सोर्स ऑब्जर्वर को क्या कर रहा है अप्रोच या फिर वर्ड आ जाए मूविंग टुवर्ड्स इन दोनों वर्ड्स का मतलब बेटा क्या है कि बेटा उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा क्या वो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा कॉमन सेंस बेटा डिक्रीज करेगा क्योंकि जब भी सोर्स सोर्स ऑब्जर्वर ऑब्जर्वर की की तरफ या अब्जर्वर की तरफ या मूव करेगा तो दोनों के बीच का फासला कम होगा और अगर दोनों के बीच का फासला कम होगा तो बेटा याद रखें जब भी सोर्स एंड ऑब्जर्वर के बीच का डिस्टेंस कम हो रहा हो तो बेटा आपने याद रखना है कि अपेरेंट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करती है और अपेरेंट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ज्यादा हो जाती है किसके कंपैरिजन में रियल के रियल फ्रीक्वेंसी से अगर अपेरेंट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ज्यादा एज कंपेयर टू किसके रियल के इसका मतलब बेटा आप क्या समझेंगे कि बेटा दोनों के बीच का बेटा डिस्टेंस क्या कर रहा है डिक्रीज कर रहा है और बेटा बताएं इस केस में डॉपलर इफेक्ट एप्लीकेबल हो रहा है या नहीं हो रहा हो रहा है क्योंकि बेटा रियल फ्रीक्वेंसी और है और अपेरेंट फ्रीक्वेंसी और है जैसे मान लो अगर बेटा रियल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू टेन हर्ड है लेकिन आपको जो अपेयर हो रही है वो है 12 बेटा मुझे बताएं शिफ्ट इन फ्रीक्वेंसी कितनी होगी बेटा शिफ्ट के लिए आप क्या करेंगे अपेरेंट में से बेटा रियल को क्या करेंगे माइनस तो बेटा क्या बन जाएगा आपके पास ट्वेल्व माइनस टेन बेटा कितना आ जाएगा टू इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे शिफ्ट इन फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट है और जब शिफ्ट इन फ्रीक्वेंसी होती है मतलब वहां पे क्या एप्लीकेबल हो रहा है इफेक्ट एप्लीकेबल हो रहा है ले भाई अब लास्ट केस इसका देख लेते हैं फिर इसके बाद मैं आपको एक फार्मूला लिखवा दूंगा उस फार्मूले का पहले क्वेश्चन मैं करवाऊंगा फिर उसके बाद अगले तीन से चार क्वेश्चन आप करेंगे देखिए बेटा बेटा अगर बेटा आपके पास यहां पे एक एक स्पीकर है और यहां बेटा ऑब्जर्वर है इस केस में बेटा यह हुआ कि अगर दोनों में से कोई एक एक दूसरे से दूर जाना शुरू कर दे या तो सोर्स अवे मूव करना शुरू कर दे या फिर ऑब्जर्वर मूव करना शुरू कर दे अवे तो ऐसी जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो वर्डिंग कौन से यूज होगी वो आपको कौन कौन से वर्ड यूज करेगा वहां पे लिखा होगा बेटा मूविंग अवे या फिर वर्ड आता है वर्ड आए या मूविंग अवे का वर्ड आए बेटा इन दोनों का मतलब क्या बेटा कि कोई भी एक चीज दूसरे से कहां जा रही है दूर और बेटा मुझे बताएं जब सोर्स या ऑब्जर्वर में से कोई भी एक दूसरे से दूर जाना शुरू कर देगा बेटा मुझे बताएं दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिक्रीज करेगा या इनक्रीज करेगा इनक्रीज और बेटा याद रखें जब भी सोर्स एंड ऑब्जर्वर के बीच का फासला बढ़ता है तो बेटा जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी होती है उसकी वैल्यू बेटा क्या कर जाती है? जाती है है डिक्रीज और याद रखें अपेरेंट फ्रीक्वेंसी कम हो किसके कंपैरिजन में रियल फ्रीक्वेंसी बेटा मेरे क्वेश्चन का आंसर करें अगर रियल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू टेन हर्ड्स है मतलब टेन हर्ड का साउंड प्रोड्यूस हुआ सोर्स से और बेटा जो ऑब्जर्वर है इसको सुनाई पड़ा एट हर्ड्स का बेटा मुझे बताएं क्या यहाँ इफेक्ट एप्लीकेबल हो रहा है कि नहीं हो रहा एप्लीकेबल हो रहा है क्योंकि बेटा जब भी अपेरेंट फ्रीक्वेंसी रियल से ज्यादा या कम होती है तो वहां ये इफेक्ट एप्लीकेबल हो रहा होता है और यहाँ बेटा मुझे बताएं शिफ्ट इन फ्रीक्वेंसी कितनी है है आप बेटा 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 क्या करेंगे करेंगे प्राइम प्राइम माइनस कितनी है बेटा कितनी आ जाएगी माइनस टू ये माइनस का साइन बस ये बता रहा है कि अब हमारी जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी है वो रियल से क्या है कम है तो बेटा शिफ्ट इन फ्रीक्वेंसी बेटा आपके पास आ जाएगी माइनस टू हर्ट और बेटा जब भी शिफ्ट इन फ्रीक्वेंसी हो वहां पे क्या अप्लाई होता है डॉपलर इफेक्ट अब बेटा सारे बच्चे एक फार्मूला लिखें जो आपने डॉपलर इफेक्ट के जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे इसी फार्मूले से सॉल्व होंगे बेटा वो फार्मूला लिख लें f' is equal to f v over v आगे लिखेंगे आप प्लस माइनस uo प्लस माइनस us बेटा ये आपके पास आ जाएगा फार्मूला और इसके अंदर अगर आप देखें के क्या चीजें किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं तो बेटा यहां पे आप लिख लें एफ प्राइम बेटा क्या चीज है आप लिख लें अपेरेंट फ्रीक्वेंसी एफ बेटा क्या चीज है रियल फ्रीक्वेंसी बेटा वी क्या चीज है इसमें स्पीड ऑफ साउंड ये जो ऊपर और नीचे वी लिखे हुए हैं ये दोनों वी किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्पीड ऑफ साउंड को बेटा ये यू ओ क्या चीज है ओ फॉर ऑब्जर्वर बेटा यू ओ क्या बन जाएगा आपके पास स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर बेटा यूएस क्या होगा ये एस किसको शो कर रहा है सोर्स को बेटा यूएस बेटा क्या हो जाएगा स्पीड ऑफ सोर्स अक्सर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि ऊपर ऑब्जर्वर आएगा या सोर्स आएगा तो उसका शॉर्ट ट्रिक ये वाला माइंड में रख लें कि ओ फॉर ऑफिसर एस फॉर सर्वेंट ऑफिसर ऊपर सर्वेंट नीचे जो फर्स्ट क्वेश्चन मैं अभी करवाने लगा हूं वो मैं खुद सॉल्व करूंगा आप जरा उससे आइडिया ले लेंगे कि इस फार्मूले में ये जो प्लस माइनस दोनों लिखे हुए हैं तो प्लस कब आएगा और माइनस कब आएगा और एक क्वेश्चन समझने के बाद फिर अगले पूरे आपके क्वेश्चन थ्री टू फोर क्या होने चाहिए ठीक होने चाहिए आप पूरी उसके लिए अटेम्प्ट करेंगे कि वो सारे आपके ठीक हो देखिए बेटा फर्स्ट क्वेश्चन लिखें लिखें बेटा इफ an observer is moving away, moving away from stationary source, from stationary source with one tenth of speed of sound, one tenth of speed. ऑफ साउंड क्वेश्चन है बेटा व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ अपेरेंट टू रियल फ्रीक्वेंसी अपेरेंट टू रियल फ्रीक्वेंसी की बेटा रेशियो कितनी होगी देखिए बेटा अब इस क्वेश्चन को समझ लें फिर अगला वाला क्वेश्चन आपने करना जरा बात सुने अब देखिए डॉपलर इफेक्ट का क्वेश्चन जब भी आएगा आप यहां तक तो हमेशा लिखेंगे फार्मूले को एफ प्राइम इज इक्वल टू एफ इन टू वी ओवर वी डॉपलर इफेक्ट के जितने भी क्वेश्चंस होंगे उन सब क्वेश्चंस में यहां तक तो आप फार्मूला हमेशा लिखेंगे अपेरेंट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू रियल फ्रीक्वेंसी इंटू स्पीड ऑफ साउंड ओवर स्पीड ऑफ साउंड तो यहां तक तो आपने लिखना ही लिखना है अब जरा आगे देखें बेटा कौन सी चीज रेस्ट पे और कौन सी मूविंग है तो अगर आप देखें तो बेटा रेस्ट पे कौन है स्टेशनरी एक चीज मूव करेगी दूसरी क्या होगी स्टेशनरी और जो भी स्टेशनरी होगी उसकी वेलोसिटी को हम क्या पुट कर देंगे जीरो अब मुझे खुद बताएं बेटा कि फार्मूला क्या था एफ प्राइम इज इक्वल टू एफ वी ओवर वी प्लस माइनस यू ओ प्लस माइनस यूएस बेटा मुझे बताएं कि यूएस की वैल्यू बेटा मैं जीरो पुट क्यों कर रहा हूं क्योंकि बेटा सोर्स आपका कैसा है स्टेशनरी बेटा अगर आप यहां पुट कर देंगे यूएस की जगह पे जीरो तो वी में जब जीरो प्लस माइनस करेंगे तो वो वी बच जाएगा इसलिए बेटा नीचे सिर्फ क्या आ जाएगा आपके पास वी आ जाएगा बेटा यहां पे बन जाएगा वी प्लस माइनस यू नॉट ओवर वी नीचे जस्ट वी क्यों आया क्योंकि ये यूएस की वैल्यू बेटा क्या थी जीरो अच्छा अगली बात अगली बात यह कि बेटा प्लस आएगा या क्या आएगा माइनस अब जरा मेरी जरा बात सुने गौर से बेटा यहाँ पे वर्ड कौन सा आ रहा है अवे का अवे का मतलब ये होता है कि बेटा दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या करेगा इंक्रीज और बेटा जब डिस्टेंस इंक्रीज करता है तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी क्या करती है डिक्रीज मतलब ये हुआ कि हमने अपेरेंट फ्रीक्वेंसी को कम करना है और बेटा मुझे बताएं अगर आप f प्राइम को कम करना चाहते हैं तो जो प्लस माइनस की ऑप्शन है क्या वो न्योमिनेटर में आपके पास अवेलेबल है या डी में अवेलेबल है न्यूमिनेटर में अवेलेबल है और बेटा आपको पता है जो होता है ना वो डायरेक्टली मतलब पड़ेगा, पड़ेगा अब मुझे बताएं चीजों को कम कैसे किया जाता है प्लस करके या माइनस करके माइनस करके क्योंकि प्लस करके वो क्या हो जाती है ज्यादा हमने न्योमिनेटर कम क्यों करना है क्योंकि बेटा अपेरेंट फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है कम तो इसको भी कम करना पड़ेगा और कम करने के लिए बेटा प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे माइनस इसलिए बेटा वहां पे आएगा माइनस का साइन बेटा ये आपके पास फार्मूला बन गया तो फार्मूला बेटा पहले बन गया अब हम इसको सॉल्व करते हैं बेटा ये बन गया आपके पास फार्मूला अब जरा सॉल्व कर लेता देखें बेटा यहां पर क्या लिखा हुआ है यहां लिखा हुआ है कि बेटा जो स्पीड है वो कितनी है वन साउंड इसका मतलब बेटा क्या है इसका मतलब बेटा ये है कि जो ऑब्जर्वर है उसकी जो स्पीड है

अगर बेटा वो आपको कहे कि अब्जर्वर की जो स्पीड है वो वन मतलब सिक्स की, की जगह आप वी बाई टेन क्योंकि इट इज इक्वल टू वन अब बेटा आप देखिए क्या करेंगे सॉल्व कर लेते हैं यहां पुट कर देते हैं वैल्यूज तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू रियल फ्रीक्वेंसी वी माइनस वी बाई टेन तो मैंने u नॉट की वैल्यू पुट कर दी वहां पे नीचे बेटा क्या लिखा हुआ है v अब इसका ले लेंगे एलसीएम तो बेटा v minus v by 10 कितना बनेगा 10 बेटा इसका एलसीएम आ जाएगा यहाँ बेटा क्या आ जाएगा 10v v बेटा क्या बन जाएगा आपके पास 9v 10 अब बेटा ये पूरी चीज क्या बन गई बेटा f 9v 10 नीचे बेटा क्या चीज है आपके पास v और ये आपके पास बेटा v से v बेटा क्या हो जाएगा कैंसिल क्या बच जाएगा बेटा आपके पास f 9 10 बेटा ये एफ यहां पे हो रहा है मल्टीप्लाई यहां जाके नीचे बेटा क्या हो जाएगा इसके डिवाइड बेटा क्या बन जाएगा फाइनल चीज आपके पास एफ एफ प्राइम ओवर इज इज इक्वल टू बाय दिस द आंसर अब ये क्वेश्चन मैंने करवाया अगला क्वेश्चन कोशिश करें आप करें फिर इस तरह तीन चार क्वेश्चन करने के बाद इनशाला फिंगर टिप्स पे आपका ये आर्टिकल आ जाएगा परेशान नहीं होना इस बारे में बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें इफ अ सोर्स ऑफ साउंड Source of sound is moving towards moving towards stationary observer with one third of speed of sound. then ratio of apparent to real frequency will be अब तो गौर करें बेटा मुझे बताएं इफेक्ट का क्वेश्चन जब भी आएगा आप हमेशा कहां तक फॉर्मूला लाजमी लिखेंगे F is equal to F, v over v, बेटा यहां तक तो आपने लिखना ही लिखना अगली बात आप ये देखें आइडेंटिफाई करें कि पे तो रेस्ट पे कौन है मूविंग कौन है बेटा रेस्ट पे कौन है स्टेशनरी ऑब्जर्वर मतलब यह हुआ कि इस केस में बेटा ऑब्जर्वर किस पे है रेस्ट पे तो मतलब ये हुआ कि यू ओ की वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो और आपको पता ही है कि फॉर्मूला क्या होता है एफ प्राइम इज यहां बेटा क्या आ रहा है प्लस माइनस यूएस मैंने यूएस को जीरो क्यों नहीं किया क्योंकि बेटा सोर्स क्या कर रहा है मूव इसलिए उसकी वेलोसिटी मौजूद होगी अगली बात ये वर्ड कौन सा आ रहा है तो का मतलब ये हुआ कि दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या करेगा डिक्रीज और बेटा अगर डिस्टेंस डिक्रीज करेगा, तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगी डी नोम मेंटर में, है या में, है? में है, और डी जो होता होती है बेटा मुझे बताएं अगर आपने F को करना है, तो डी को क्या करना पड़ेगा डिक्रीज और बेटा चीजों को डिक्रीज कैसे किया जाता है प्लस करके माइनस करके माइनस तो बेटा साइन कौन सा आएगा माइनस का देखिए बेटा ये बेटा, ये बेटा बेटा फार्मूला अब अब आपके पास वाला बन गया जरा इसको सॉल्व करते हैं बेटा, मुझे तो यहां पे क्या लिखा हुआ है ऑफ ऑफ मतलब स्पीड साउंड मतलब वो कितनी है, है। बेटा, 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 सॉल्व करेंगे तो, v माइनस पी बाई थ्री को बेटा ये आपके पास आ जाएगा टू वी बाय थ्री ये आपके पास आ जाएगा टू वी बाय थ्री और जरा यहां पे इसको सॉल्व आगे पुट कर दें v ऊपर है नीचे बेटा क्या लिख रहे हैं आप टू वी बाय थ्री बेटा v से भी बेटा क्या हो जाएगा कैंसिल थ्री कहां चला जाएगा ऊपर तो बेटा क्या बन जाएगा फाइनल आपके पास फाइनल बेटा आपके पास बन जाएगा f यहां पे आएगा यहां आ जाएगा थ्री बाई बेटा यहां पे एफ प्राइम बट हमें फाइंड क्या करना था एफ प्राइम ओवर एफ एफ बेटा यहां से कहां आ जाएगा नीचे बेटा फाइनल आंसर कितना आ जाएगा बेटा आपके पास एफ प्राइम ओवर एफ इज इक्वल टू थ्री बाई टू इज दी आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें इफ एन ऑब्जर्वर इफ एन ऑब्जर्वर इज मूविंग टूवर्ड्स स्टेशनरी सोर्स विद वन फिफ्थ ऑफ वन फिफ्थ ऑफ स्पीड ऑफ साउंड स्पीड ऑफ साउंड बेटा आपने बताना है अपेरेंट टू रियल फ्रीक्वेंसी बेटा रेशियो कितनी होगी आपके पास फिफ्टी है। फार्मूला बेटा क्या है f प्राइम इज इक्वल टू f v ओवर v. यहां तक तो लिखना ही लिखना है अगली बार बेटा मुझे बताएं रेस्ट पे कौन है स्टेशनरी क्या चीज है बेटा आपकी सोर्स तो नीचे बेटा कोई चीज नहीं आएगी सिर्फ वी का वर्ड आएगा लेकिन ऑब्जर्वर बेटा क्या कर रहा है मूव तो ऊपर आ जाएगा यू ओ अब बाकी रह गया प्लस माइनस बेटा कौन सा वर्ड आ रहा है टू वर्ड का मतलब क्या है डिस्टेंस कम होगा तो क्या बढ़ेगी अब पेरेंट फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी तो हमें अपेरेंट फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना है और प्लस माइनस की ऑप्शन बेटा किसके अंदर मौजूद है न्योमिनेटर में जो कि बेसिकली क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अगर हमने अपेरेंट फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना है तो बेटा किसको बढ़ाना पड़ेगा न्यूमिनेटर को इसका मतलब बेटा ये है कि इसे बढ़ाएंगे और चीजों को बढ़ाने के लिए प्राइम इज इक्वल टू एफ वी प्लस वी बाय ओवर वी वी प्लस वी बाई फाइव बेटा कितना होगा ये होगा सिक्स वी बाय फाइव बेटा नीचे बेटा क्या चीज है वी है बेटा वी वी से क्या हो जाएगा आपका कैंसिल F जाके इधर कर दे डिवाइड तो क्या बन जाएगा F प्राइम ओवर F इज इक्वल बेटा कितना आ जाएगा सिक्स बाय फाइव इज द आंसर अब एक क्वेश्चन और कर लें जिनका अभी तक थोड़ा इश्यू आया है, कोई भी आया है, तो वो ये वाला क्वेश्चन ठीक करने की कोशिश करें लेकिन बेटा क्वेश्चन लिखें इफ अ सोर्स ऑफ साउंड सोर्स ऑफ साउंड इज मूविंग अवे

अब वर्ड कौन सा आ रहा है अब एक तो डिस्टेंस बढ़ेगा अब क्या होगी कम तो आपने इसे कम करना है और अगर आपने इसे कम करना है तो डी नोमिनेटर को बढ़ाना पड़ेगा और बढ़ाना कैसे होता चीजों को चीजें कैसे इनक्रीज होती हैं ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके ऐड करके तो इसलिए यहां पे बेटा कौन सा साइन आएगा प्लस का साइन आएगा तो बेटा यहां पे आ जाएगा प्लस का साइन यहां बेटा प्लस लिखेंगे अब इसको सॉल्व कर लें एफ प्राइम इज इक्वल टू एफ स्पीड बेटा कितनी है आपके पास वन फोर्थ मतलब कितनी आ जाएगी बेटा v बाई फोर वी प्लस कितना होगा यह बन जाएगा आपके पास v ओवर फाइव वी बाई फोर वी सभी बेटा क्या हो जाएगा कैंसिल फोर बेटा कहाँ चला जाएगा ऊपर बेटा क्या बन जाएगा आपके पास ये आपके पास आ जाएगा फोर बाय फाइव इज आंसर क्लियर हो गया पॉइंट और अगर आप देखें ये तो आ गई फ्रिक्वेंसी की रेशियो देखिए फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ के इन्वर्स होती है तो अगर फ्रिक्वेंसी की रेशो आई है फोर बाय फाइव तो बेटा वेवलेंथ की रेशो बेटा कितनी आएगी आपके पास फाइव बाय फोर तो बेटा ये आ जाएगी आपके पास वेवलेंथ की रेशो क्लियर हो गया पॉइंट बेटा ये वाला आपको